हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल लोन राइडर मुकेश। और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं जो कि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है यूट्यूब में। फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ करने में। तो क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आई हैव परचेज्ड अ मोबाइल होल्डर विथ चार्जर। सो टुडे विल बी इंस्टॉलिंग इट अलॉन्ग विद द वायरिंग। सो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि वायरिंग मैंने गाड़ी की कभी इससे पहले कभी वायरिंग से रिलेटेड कोई काम किया नहीं, बट थोड़ा बहुत लॉजिकल नॉलेज है मुझे और उसके बाद मैंने थोड़ी चीज़ें जानी लोगों से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट माई ओन थिंकिंग कि आई एम एबल टू डू इट टूडे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप ऑल इज वेल। सो नाउ आई हैव रिमूव द हेडलाइट बाई अनस्क्रूइंग द स्क्रू अबव। देर इज ओनली वन स्क्रू, सो वंस यू लूजन इट दिस थिंग कम्स ऑफ एंड दिस इज द सॉकेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू विच वी विल बी लिंकिंग और चार्जर वायरिंग। वायर को हम यहाँ से अंदर को लेंगे, वायर से हम यहाँ से लेके जाएंगे, उसके बाद यू सी देयर इज अ ग्रे ओपनिंग टू द हेडलाइट केबिन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अंदर से अगर वायर ले जाएंगे सो इट कम्स हियर, आप देख सकते हैं मेरी उंगली। यहाँ से ले आने के बाद ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कनेक्ट टू दिस एंड द पावर विल बी सप्लाइड टू द चार्जर अकॉर्डिंगली, बिकॉज दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू यूज़ बिकॉज दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ for any additional accessory and this is connected to the additional accessory relay, so there will be no issue of short circuit or something. See, this is what I had done. I had taken two extra wires and the other end of the male socket which should fix this, fit this like this. Actually I had to struggle a lot to even get this because आपको ये बाहर shops में नहीं मिलते ये socket, तो usually you can request any local mechanic to check if they have any discarded पुराने फेंके हुए wiring में से आप ये काट के देने को request कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया है। इसको फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, चार्जर की जो वायरिंग है उसको इसके साथ लगा देंगे, इन दो वायरिंग के साथ। सी यहाँ फिट हो गया। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज फिक्स दीज टू एंड्स टू द अदर टू एंड्स ऑफ द चार्जर एंड इट्स ऑल डन। सो वो पूरा करने के बाद देखते हैं। सो नाउ हमने इस बिट को चार्जर के वायरिंग के साथ जोड़ लिया है और इंसुलेशन टेप से कवर कर लिया है ताकि दोनों ओपन पॉइंट्स एक दूसरे को या किसी भी वायर्स को टच ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वायर्स हैं, सो वी कांट अफोर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट। एंड इवन इफ देर इज़ एनी शॉर्ट सर्किट हैपनिंग, प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड दैट दे हैव गिवन अ फ्यूज हियर। सो ऑल यू हैव टू डू इज ओपन इट लाइक अ पेन कैप एंड इट विल बी अ फ्यूज। सो कुछ शॉर्ट सर्किट हो भी जाता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ इलेक्ट्रिकल डैमेज किसी भी कॉम्पोनेंट को होगा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नाउ इट इज़ ऑल सेट। इसको अंदर डाल लेते हैं। ओपनिंग थोड़ी तंग है क्योंकि वायर बहुत सारी हैं यहाँ। सकते हैं हमने अभी इस ओपनिंग से वायर को पूरा निकाल लिया है और
काफ़ी बड़ी वायर है तो वी डोंट नीड दिस मच ऑफ एक्सेस, सो विल फोल्ड इट इन अ वेरी नीट मैनर ताकि यहाँ भी ज़्यादा ये ना हो जाए, फंस ना जाए. सो विल कीप इट वेरी सिंपल. फोल्डेड द एक्सेस वायर एंड टाइड इट अप यूजिंग द नेक टाई एंड जस्ट फॉर द ईज ऑफ चेंजिंग फ्यूज वायर आई हैव केप्ट इट ओपन. आई हैव नॉट बाउंड इट विद दिस नेक टाई, सो नाउ यू कैन सी इट इज एक्सेसिबल. एंड हियर इज अ कनेक्टर, सो विल कनेक्ट दिस. So we'll just check once again if it is working well. Ignition on. Now you can see the switch. When I switch it off, it goes off and it comes on when I switch it on. The power supply is coming and I think we are successful with the installation. Or now keeping all this inside, we will just install the headlight and it's done. So that was it. And I wanted to show you one thing that I've also used, covered it with insulation tape just to avoid the exposition of the red and black wires. It's just out of my obsession to keep it safe, that's it. Otherwise they are quite strong and built to, you know, resist any kind of harsh weather. Alright then, I'll install and get back to you. After completing the wiring, now we have to fit these to the handlebar or wherever we want. So our handlebar on the Interceptor 650 is of 22 mm, so we'll be using 22 mm liners given with the mount in the back. So presently I'm not really sure where should I install. So now before fixing this to handlebar, let me fix it to the charger. I mean, we'll have to fix the ball to the back of the charger so that then we can complete it with the final fixing of this to the handlebar. So to install this to this, we have to turn the knob, let it go over the ball, and now apply some pressure, and yeah, once you get the click sound, all you have to do is tighten it. And you can tighten it after checking your orientation accordingly. Now tighten it. That's it. After fixing the mount to the mobile holder, we have to fix the mount here using this Allen key, and it's all done. So after installing, this is how it looks. And as we have rubber, what do we call these, rubber straps also to securely hold the mobile, it looks amazing. So finally I have, you know, decided to install it in the middle so that it gives proper view of the phone even when we are riding, without, you know, taking your view away from the road. So this was it. I hope you like the method of installing it. See you again. And if you like the video, please like and subscribe to my channel for many more videos like these, informative and related to tours. Thank you. Good night.